महाराष्ट्र में बस खाई में गिरी, 12 की मौत। रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने 25 यात्रियों को रेस्क्यू किया, 40 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में शुक्रवार की रात एक बस 700 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 40 यात्री सवार थे। अब तक 25 का स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा खंडाला और खोपोली के बीच पुराने नेशनल हाईवे पर सिंगरोबा घाट से उतरते समय हुआ। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। बस पुणे से मुंबई जा रही थी। गोरेगांव के थे यात्री, कार्यक्रम में शामिल होने पुणे गए थे। पुलिस के मुताबिक हादसे की खबर मिलते ही बोरघाट पुलिस, खोपोली पुलिस और स्थानीय लोग मदद के लिए आए। सभी घायलों को इलाज के लिए खोपोली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बस में सवार यात्री गोरेगांव क्षेत्र के एक संगठन के थे। सभी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। गोवा मुंबई हाईवे पर दो हादसे, 22 की मौत। बस पलटने से 13 लोगों की जान गई। गोवा मुंबई हाईवे पर दो सड़क हादसे हुए थे। कर्णकमली के पास एक प्राइवेट बस के पलटने से 13 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, जबकि 23 लोग घायल हुए थे। बस में 36 लोग सवार थे। उधर एक कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। राजस्थान के सीकर में 3 गाड़ियां टकराने से 12 लोगों की मौत। राजस्थान के सीकर में 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 4 लोग घायल हुए थे। गंभीर घायल 3 लोगों को पहले सीकर और फिर जयपुर के लिए रेफर किया गया था, जिनमें से 2 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। हादसा खंडेला पलसाना मार्ग पर खंडेला इलाके में हुआ।